हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया हर्बल टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक फ्लैक्स सीड का जेल शेयर करने वाली हूँ। फ्लैक्स सीड आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्लम्प और हाइड्रेट करती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आइए हम देख लेते हैं हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही सिंपल बनाने का तरीका है इसका, और केवल दो इन्ग्रीडियंट्स आपको चाहिए। ये हमने फ्लैक्स सीड लिया हुआ है और ये विटामिन ई की कैप्सूल ली हुई है हमने। और फ्लैक्स सीड को आपको वॉश करके थोड़े से पानी में उसको आपको जो अच्छी तरह यहाँ तक उस ये डूब जाए उसके लेवल तक पानी आप डाल के इसे रात भर सोक कर दीजिए। सोक करने के बाद सुबह इसे आपको हाफ कप वाटर में पैन स्लो करके गैस पे रख के 5 मिनट तक आप उसको बॉयल करना है। और इस तरह से हमने उसे बॉयल किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप उसे बॉयल करते हैं तो वो कुछ इस तरह का हो जाता है। और इसे आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना होगा तभी आपको इसको एक कपड़े के हेल्प से इसे इसका जो जेल है उसे आपको निकालना है। अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। कोई भी साफ़ कपड़ा जो आपके पास पतला है उसके अंदर ये जो जेल हमने बनाया है फ्लैक्स सीड को जो बॉयल किया हुआ है उसको कपड़े में इस तरह से डाल करके इसको आपको अच्छी तरह से आप जब इसे प्रेस करेंगे तो इसका जो स्ट्रैक्स है जो जेल है वो पूरा निकल जाएगा। जेल को मैंने इस तरह से उसका निचोड़ करके निकाल लिया है और इसमें हम एक विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, फ्लैक्स सीड आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन डैमेज होने नहीं देता है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज में बहुत होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपकी स्किन को हेल्दी और मॉइस्चराइज करता है। ये आपकी स्किन को प्लम्प करता है। स्किन इरिटेशन जिसको है, जिसको रेडनेस हो जाती है फेस में, उसको ये रिड्यूस करता है। और ये आपके फेस पे रिंकल्स नहीं पड़ने देता है। ये जेल हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमने ये कंटेनर लिया है, हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने इसको इसमें कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये देखिए, मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ। एकदम आपके फेस पे शाइन करता है ये लगाने के बाद और अच्छी तरह से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।